गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 ट्वेल्थ में पढ़ रहे थे साक्षात्कार। हमने दो प्रश्नों को समझा, आज हम चलेंगे आगे। बच्चों, एक अच्छे साक्षात्कार के क्या गुण होते हैं? एक अच्छे साक्षात्कार कर्ता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक तो वो संवेदनशील होना चाहिए, उसे क्रोध नहीं आना चाहिए, वह कूटनीति होना चाहिए और साहस जैसे गुण उसमें होने चाहिए। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार से वही सवाल पूछने चाहिए जो आम पाठक के मन में हो सकते हैं, कि आम पाठक इन सवालों का जवाब चाहेगा। जैसे लॉकडाउन लग गया है तो लॉकडाउन में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि लॉकडाउन का जनता पर क्या असर हो रहा है, अब जनता के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो ऐसे सवाल पाठक के मन में उत्पन्न होते हैं, वो सवाल हमको पूछने चाहिए। एक सफल साक्षात्कार को सवाल की प्रश्नावली पूर्व में तैयार कर लेनी चाहिए। ये नहीं है वहाँ जाके आप सवाल पूछोगे, सवाल कभी कभी गलत भी हो सकता है, कभी क्या हो जाए, ये दिक्कत होती है। इसलिए पहले से ही जो है आपकी प्रश्नावली तैयार हो जानी चाहिए। ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए कि व्यक्ति उत्तेजित हो जाए, व्यक्ति क्रोधित ही हो जाए। जैसा नायक फिल्म में जो अनिल कपूर ने अमरीश पुरी से पूछा था ना, आपने वो इंटरव्यू देखा हो तो बच्चों, तो नायक फिल्म में क्या होता है वो इंटरव्यू, और अमरीश पुरी उसी पर अपनी बात रख देता है कि एक दिन का जो है उसको सीएम बनना है। तो ऐसा फिल्मों में होता है, ऐसा आम दुनिया में नहीं होता। इसलिए हमको ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए कि सामने वाला उत्तेजित ही हो जाए, सामने वाला क्रोधित ही हो जाए। सवालों की बोझार करके मतलब की बातें निकालनी चाहिए, यानी सवाल इतने कर दो कि मतलब की बात आए, वो फंस जाए ना, तो उत्तेजित जो है उसको अपने सवालों में खुद ही फंसाना होता है। साक्षात्कार को सवाल फिर जवाब क्रमिक रूप से लिखना चाहिए ताकि वे एक सुंदर आलेख बन सके। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार एक प्रमुख आधार संवाद है, बताइए कैसे? बेटा, संवाद का अर्थ होता बोलना, वार्तालाप। साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार लेने वाले देने वाले के मध्य जो सवाल जवाब होते हैं उसका मुख्य आधार संवाद ही है। यदि संवाद तत्व न रहे, परस्पर सवाल जवाब का स्वरूप न रहे, तो उसे साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। जितना अच्छा संवाद होगा उतना ही अच्छा साक्षात्कार होगा, लोगों में रोचकता बढ़ेगी। ऐसा न होने पर साक्षात्कार ऐसा आलेख बन जाएगा जिसमें निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण या आलोचना तो हो सकती है, आलोचना विद्या के तत्व सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और साक्षात्कार बेकार हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक समझना है और आगे की ओर अध्ययन करना है और इनको याद करना है। बच्चों, इनको याद करना है, ये बोर्ड में दो दो नंबर के आएंगे, इनको आप अपना समय वेस्ट ना करें, लिखने के साथ साथ याद भी करें। धन्यवाद।